भोली बाला जी महाराज की। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान हटीले रंगीले बनी हनुमान हटीले रंगीले बनी तो जिन मान मथो गढ़ रंग पति को बैठी पताल हनो अही रावण हर जिन देखत थे जगयो शक्ति को अंजनी को पुत्र श्री राम जी को पायक और शोक हरियो मासिया सती को हरि तुलसी संकट क्यों न कटे तुझ बजान धरे हनुमान जति को इस कलु काल के बीच में और सतो देव हनुमान हरि जो तन मन से ध्यान लगावे तो प्रभु कर देवे एड़प माधव के इस कलु काल के बीच में और को सतो है देव हनुमान और जो तन मन से के ध्यान लगावे तो प्रभु कर दे बीड़ा पार। हनुमान जी महाराज अगर जे कोई तन मन से ध्यान लगावे है तो हनुमान जी महाराज की बीड़ो है जो को जरूर पार करे। तो हनुमान जी महाराज की बीड़ो पार करियो के कोई एक गरीब ब्राह्मण हो और ब्राह्मणी बिन रोजी ने लड़ती के महाराज कटी दूसरे नगर में जाओ और रामचरितमानस से जगी वाज करके आओ जो आपने की पांच रुपया है जगह चढ़ा बेरा पड़े ब्राह्मणी दादी ने ज्यादा तंग किया है जन एक दिन महाराज रामचरितमानस से जगी माथे ऊपर ऊंच और कोई नजदीक रे मां गांव हो भी गांव रे मां गया है और जार गांव वालों के ऐसा रामचरितमानस रो है जो पाठ करिया करो और आप ही नगर रे मां महाराज रामचरितमानस बांधो गांव वाला देख रही क्यों महाराज अब बड़ी सत्ता इतना है और लॉकडाउन है हाँ इस वास्ते की अर्थ रही है जो की तंगी है और आप कहीं है जो आगे आया और बीच टेम्बर मां महाराज थारे जो कथा बढ़िया बचा और थारे जो 5 रुपया चढ़ा हुई क्यों बढ़िया करता हूं। तो ब्राह्मण राग इसी बात करी है तो भी ब्राह्मण मन में विचार जो भी अपन ई गांव रे मां कथा है जो की बात नहीं कर तो महाराज कहीं करे है गांव उतरा दे पासी निकले है हर बड़े एक क्षेत्र में हनुमान जी महाराज रो मंदिर हो और हनुमान जी महाराज ने कह लिया है कि महाराज ये गांव वाला तुम्हारी कथा सुने कोनी और आप मारी कथा है जो की सुनो जो थानो दृढ़ विश्वास हो कथा सुनाओ। तो हनुमान जी तो सबरी कथा सुने तो कई वो ब्राह्मण हनुमान जी महाराज ने कथा सुनावे और कई बात बने हर देखो कई कई गए
अरे एकी ब्राह्मण कथा रे सुना उनकी कोई कथा रे सुने ना भगवान की।
बाबा श्री हनुमान जी महाराज की। तो कहे एक ब्राह्मण कथा सुनाओ तारी उनकी कोई कथा सुने ना। ब्राह्मण था गरीब के उनकी कोई कथा सुने ना। और करके मन में रीस के वो ब्राह्मण नगरी से बाहर आया और सुना मंदिर बाला जी का के जाकर बैठा उसी बात और रामायण की कथा के मान को सुनावता। हनुमान जी महाराज ने रामायण की कथा है जी सुनावे और हनुमान जी महाराज तो राम चरितमानस रह जगह बड़ाई रसी है समझ रहा क्योंकि बाबा तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा चौपाई में लिखियो है। और बाबा कहीं कहे राम सदिति सुनी वे को दसियर ए राम सदिति सुनी वे बसिया। तो हनुमान जी महाराज
ब्राह्मण कथा वाचे और हनुमान जी महाराज रामचरितमानस की कथा जी सुने। यूं करता करता एक हफ्तो बीतो है तुम्हारा और तो बड़ कोई आदमी है जो खेतरे में कुण कथा सुनने वास्ते आवे। एक मुंजी आदमी हो, अरे कंजूस, अरे वो सुबह टेमर माने बड़े भ्रमण करने वास्ते आयो। अभी महाराज ने गुणगुणाऊ का देखा, विचार चलो आप शामी था जन की 5 रुपया जगह चरणा पड़ दी और मंदिर के लारे बैठ करके और कथा सुननी चालू करी। ब्राह्मण था गरीब की के कोई कथा सुनी ना, अरे करके मन में ऋषि वो ब्राह्मण के नगरी से बाहर आया और सुना मंदिर बालाजी का के जाकर बैठा। उसी में रामायण की कथा हनुमान को सुनावता और के मुपत कथा सुनने एक मुंजी नित आवता। अरे और के नित प्रति कथा सुन को अपने घर को जावता। कभी माधव कहे कितने दिन बीते जा रहे, देखो ब्राह्मण कछु फिकर करे ना, अरे एक ब्राह्मण कथा सुनावता के उनकी कोई कथा सुने ना। यू करता करता एक हफ्तो बीतो है तो हनुमान जी महाराज रे ठीक लार ले पासे और भैरू जी महाराज रो है जो स्थान और तो भैरू जी महाराज हनुमान जी महाराज ने कई सवाल कहे और कई बातें बने जी गोतार जी अरे भैरू जी की मूर्ति रे भैरू जी की मूर्ति हनुमान से करे पुकार। अरे
भैरू जी की मूर्ति के हनुमान जी से करे पुकार और कहे हनुमान इसके रूपी होंगे तीन हजार। भैरू जी महाराज हनुमान जी महाराज ने कही है कि हे महाराज भद्रकाली थे खाली है जो रामायण रामायण सुनो और ब्राह्मण है जो राम कृत मानस बांधे जो महाराज बाल बच्चा आदमी है और कि इन पांच रुपया जो चटा वाला देव कोनी तो इन जो टावर कम काले हनुमान जी महाराज री आकाशवाणी हुई है कि जाओ काल दिन रे मां प्रणावती रो टेम है और ई ब्राह्मण रहे जो 3000 रुपया चढ़ा वे राजी तो बात ब्राह्मण तो सुनी कौन क्योंकि वो तो हनुमान जी महाराज रे सेवा में लाई जुड़ो तर भी मुंजी राखी कान है जगह हरवा ज्यादा पड़े भी मुंजी है जगी आ बात है जगी सुनी भी विचार करियो आपने को काम ठीक कोनी आपा यूं करो सुबह आकर के और ई महाराज होए जो चढ़ा वे रो ठेको ले लो तड़के में दिनों के पहला कैसे भी यही आऊंगो और 1500 रुपया देकर ई ब्राह्मण को भरमाऊंगो और कह 1500 मेरे ऋषि सुतो बैठो खाऊंगो मौज लागी महाराज आप आयू करा कह 1500 रुपया रमा यूं ठेको लेला जो राम ने हिदा हिदा 1500 रुपया बच जी तो कभी कहे मुंजी वा पर अरसा रहा मुंजी बड़ी खुशी हुई है कि ऐसा रोजगार लगे ना मैं ई लॉकडाउन में फिर महाराज इसो है जो धंधो बढ़े कट मिले मुंजी मन में हर सारा हक है ऐसा रोजगार लगे ना अरे एक ब्राह्मण कथा सुनाओ करे के उनकी कोई कथा सुने ना तो मुंजी शाम ने घर आयो है और रात ने सुतो सुतो तारा गणे बेकणे दिन उगे रखणे मंदिर जाऊं तो 4 बजे है जो नवा धोवा करके रेडी रेट प्रयोजन भी मुंजन दे कर पूछे कि आज बेगा किया हूं क्या कोई बात है कि बेगा कहीं हो क्या हूं तो कल भगत हुई आपने वो खेतरे में मंदिर ने हनुमान जी रो बट हनुमान जी महाराज की जगह सेवा करूं बाबे री घणाई दिन है जो ई गमा दिया अब जगह गई की जिंदगी है जगह भगवान री सेवा में लगा जण भी मुंजन दे कर क्यों तो मुंजी आदमी सेवा भक्ति की बात करे है दिन काल ने कटी कोई दाल में कालो तो है नहीं भी क्यों हुई जन तो दाल पूरी काली है एमने जन क्यों देखी जाए तो अब वो बूंदी सुबह उठ करके और दादे रे कन आवे और महाराज ने आप और कहीं चढ़ावे रुपए को लेवे और कई बात बने है देखो अरे तड़के रे वो भी नूंगे पहला सूदी यही आया है तड़के रे वो भी नूंगे पहला सूदी यही आया है आ 1500 रुपया
प्रजापति रामचंद्र भगवान की। अरे तड़के वो दिनों के पहला के स्तुति यही आया है और 1500 रुपया देकर के भी ब्राह्मण को भरमाया है। दादे ने आ और बोले महाराज थाल और चढ़ाओ है जो गोथे ठेके दे दो बूढ़ा आदमी और क्यों दुख पाओ घोड़े में। ब्राह्मण देख रही हो अटकी सड़ा भाई आठ तो मैं हाथ दिना रमा मिन कर मुंडो ही आज थारो देखियो है अर तू बड़ो जोर मारी तो कोई रिपोर्ट न सड़ाई क्यों बेस थरक नहीं मन है जो धंधी से को मुंजी मुंजी विचार करियो गई ओ तो धटी जन जेबर में 1500 रुपया का गया पर महाराज ने जो पकड़ा दिया। अरे क्यों लो महाराज के वृद्ध आदमी हो और ये 1500 रुपया ले जाओ और आठ जगह चढ़ाओ आही जगह पर हूं देख लो कोई चिंता को देखी जाई महाराज थोर तो 1500 रुपया पक्का। अब इन्हें ब्राह्मण है जो तीन पाना रामायण का रिया हनुमान जी राम में अच्छी तरह जो सुना दिया और मुंदी ने वो आसन बोला दियो और क्यों लो साहब मुंदी जी वो तो आसन है ए हनुमान जी जाने अभी क्यों खेज जाने। ब्राह्मण कथा पांच के वो खुशी से घर आया है और मुंदी जी अली के बैठा के चढ़ावा नहीं आया है। हाँ हमें सुबह 10-11 बजी जन भी विचार की अजू तो कोई आदमी आयो पर पण की भगत है जो घोड़ा उठे हनुमान जी महाराज की मूर्ति के जगह ने की धो और बढ़िया है जो साफ करी हनुमान जी महाराज रे तेल सिंदूर लगायो ते की बाबे री सेवा करा ने की 3000 जगह 3500 या सके की बात को। अरे तो इने हां मली 3 बजे जन मारा दी मुंजी रुई मन फाड़ी गयो कुती रो डांगो फाटे छे। अरे भी विचार करियो दुनिया तो काका धोखो करया करे मिनक तो बैठा पानी देवता ही धोखो करन लाग गया। हां हनुमान जी इमरान ने मुंजी देख करके बोले महाराज बजरंग बली थे मरमा धोखो करियो है ओ थे झूठी आकाशवाणी करी है ए मारा 3000 रीकर या 1500 रुपया जगह डुबो दिया बाकी थुवा हूं थानी छोडू को मारो नाम लोग मुंजी के मां दो आदमी रो करार हो एरबा हनुमान जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा जगीर की मुंजी ये जगो लात्रो प्रहार करियो और हनुमान जी महाराज विचार करियो ते हिरका मारे मूर्ति लाते ठोकर हुआ था जन्म दुनिया में कुण मान। और हनुमान जी महाराज भी पूछ रो दे आटो एर मुंजी रा पग है जगह ऊपर चेप दिया एर माथो नीचो कर दियो विंद्र रे रॉन्ग नंबर लग गया तो के मूर्ति के मारी लात कुंडा लटकाया है और ऊपर पैर नीचे माथा के मुंजी बट बहुत दुख पाया है। अरे मुंजी वहां पर दुख पा रहा पग ताण्या ना तणे ना एक ब्राह्मण कथा सुनाओ ताकि उनकी कोई कथा सुने ना। हम सुबह रो बीड़ो मुंजी अर शाम होगी जन घर तो सगला रसो सी वो भी मुंजी जी आया किया कौन कि मुंजी जी मंडी मुंह फेरे रेड़ो क्यों को उनके मो तो अब मुंदी रा टावर टिंग सही मुंदी लुगाई सही है तो पर बंदर में जावे और कहीं देखे और कहीं बात बने देखो अरे मुंजी डेटा टावर टिंगर सारा फिरे तो
ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਕੋਟਾਇਆ ਹੈ ਅਰ ਕਬੈ ਚੁਕੀ ਗੇਲ ਮੁੰਡੀ ਆਪਣੇ ਗੰਗੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਯਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰ ਬੰਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ हनुमान जी महाराज की मूर्ति जकी लाती ठोक दी तर मारे तो ऊपर नहीं पगे जगह चिपुड है अंबे मुंजीरा टावर आदर बादे करी के पिता दी थे चिंता मत करो मैं गणैया मैं थारा काल कद काम दे अब महाराज के छोरा है जगह कपड़ खानसन लाई है आता पगारी लोया उतर की छोटे बट काई जण हनुमान जी महाराज री आकाश पानी हुई के 3000 रुपया ब्राह्मण रे बात अजी तो भर गए 1000 रुपया पुगे डेढ़ हजार रुपया और पुगा हो जन होती छूट और नहीं जुनी जो और टोकरी जमा लाल लटक गया जो ही नाली लटक की मुझे मिंदर रहे अब हमारा डेढ़ हजार की और बात हुई अरबा मुंजनी जो इतनी ज्यादा मुझी भी क्यों थोड़ा आपने जो जरूरत कौन बिना काम है जो थे 1500 रुपया भड़बत लगो तो एक दिनों घर जाओ जो मोटू लाओ वो कुआड़ो गीटा कल पग बाढ़ घर ले लियो चौकी तेरे मानसिर माथा बैठो रही हंधानो करा वो करा की चिंता को पगबाड़ मेरी तैयारी हुई जब खुद क्यों हनुमान जी राजे क्यों हे महाराज बजरंग बली ये तो घर वाला तो आप ही क्यों पगबाड़ ने लाई जुड़े यार हूं जिया पिया नहीं है जो मेरा 1500 रुपया है जगह और पोता हूं यार थे है जो की करके पगिया थोड़ा जन हनुमान जी महाराज आगे बड़ी वारी है करुणा करी जन बे पगे जगह हनुमान जी महाराज ऊपर छोड़िया जन के 1500 रुपया उस ब्राह्मण के घर और पहुंचाया है तब छूटी वो गेल मुंजी अपने घर को आया है किया भी विश्वास ब्राह्मण जो को माल धन पाए ब्राह्मण हनुमान जी माते विश्वास करियो जो को तो कितने मालो माल हुई कभी माधव के माधव जी देख रखी है प्रभु की भक्ति बने ना अरे एक ब्राह्मण कथा सुनाओ तारी के उनकी कोई कथा सुने ना तो हनुमान जी महाराज इन डाल है जो को महाराज जी ब्राह्मण ने परसो दियो और आज कल तो वामे रहे जो हजारों परता है और बड़ो भारी सारा सारे वहां मेलो लागे है बोले बाला जी महाराज की श्यामपति रामचंद्र भगवान की सारा सर दरबार की जय तो भक्त हनुमान जी महाराज री कई विनती करे देखो बाबे रागे
अरे नाम लिया सुखी उपजे ओ सर मनोरथी और ये जी रिकॉर्डिंग तथा ताराचंदी सोनी सिंज गुरु निवासी गुरु कृपा साहू अरे पाठ पधारो पापती गाने
आटू पे दीप करा आजती तारी जगमग को जगा जगमग तो ओ बला तारे करना सी
पलेसियापति रामचंद्र भगवान की, बाबा श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।